श्रीमती रामचंद्राय नमः। आपदामपहर्तारं दातारं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो 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 नमाम्यहम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवने रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामः शरणं रामं विना का गतिः।
रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम्। रामाय कार्यम् नमः। रामात्रस्यति कालभीम भुजगो रामस्य सर्वं वशे। रामे भक्ति रखंडिता भव तुमे। राम तमीवाश्रयः। राम तमीवाश्रयः। राम कर बंसभूषण काम बहु छवि सोहै। नव अम्बुधर बर कातंबर पीत सुर मन मोहै। मुकुटांगदादि विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रतिसजे। अम्भोजनयन विशाल उर भुज धन्य नर निरखंती चे। धन्य नर निरखंती चे। धन्य नर निरखंती चे। परमानंद कंद परम कृपा सिंधु दीन बंधु पतित पावन अशरण शरण दीन जनानुग्राहक भगवान श्री राम अपनी अनन्य प्रीति से सदैव हमें कृतार्थ करें। इसी भाव के साथ श्री मानस जी का स्वाध्याय। तुलसीदास महाराज जी भगवान नाम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। सकल कामनाहीन जी सकल कामनाहीन जी राम भगति रसली। नाम सुप्रीम पीयूष हृद तिन्हहु की मन में। अगुन
सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनूपा, मोरी मत बड़ नाम दुहूते, कीजिहि जुग निज बस बूते। प्रौढ़ि सुजन जनि जानहि जन की, कहौं प्रतीति प्रीति रुचि मन की। एक दारुगत देखिय एकु, पावक समजुग ब्रह्म विवेकु। उभय अगम जुग सुगम नाम ते, कहियु नाम बड़ ब्रह्म राम ते। व्यापकु एकु ब्रह्म अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी। नाम निरूपण नाम जतन ते, सौ प्रकटत जिमि मूल रतन ते। निर्गुण ते एहि भांति पड़ नाम प्रभाव पाय, कहौं नाम बड़ राम ते निज विचार अनुसार। सकल कामना हीन जी राम भक्ति रसलीन, नाम सुप्रेम नाम सुप्रेम पीयूष हृदय तिन्हु किए मन में। तुलसीदास महाराज जी ने पहले नाम के प्रभाव का वर्णन किया है कि नाम का सामर्थ्य ऐसा अद्वितीय अद्भुत पवित्र है, अविद्या रूपी रात्रि से जाग जाने के लिए जो परम औषध है, ऐसा नाम का दिव्य महात्म्य है। इसी नाम को जप करके योगी जन सारी अविद्या को माया को भीतरी अंधकार को अज्ञान रूप अंधकार को नष्ट करके तत्व ज्ञान रूपी ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं। इसी नाम के दिव्य सामर्थ्य से ही ब्रह्म सुख का अनुभव योगी जन करते हैं और इसी नाम के दिव्य सामर्थ्य से भगवत स्वरूप को जो जानना चाहते हैं, ऐसे जिज्ञासु जन भगवत स्वरूप को आत्म स्वरूप को परमात्म तत्व को यथार्थ रूप से जानते हैं। लौकिक सिद्धियों की भी जो कामना करते हैं, जो अर्थार्थी साधक हैं, वो भी इस नाम जप के सामर्थ्य से अनिमादिक सिद्धियों से युक्त हो जाते हैं। और चारों प्रकार के भक्तजन अर्थार्थी आर्त जिज्ञासु और ज्ञानी, चारों प्रकार के भक्तजन नाम के समाश्रण से ही अपने अभिष्ट की प्राप्ति करते हैं, अनिष्ट का निवारण करते हैं। और नाम का अद्भुत सामर्थ्य चारों युगों में एक समान है और चारों श्रुतियों के द्वारा, चारों वेदों के द्वारा भी नाम की महिमा का बखान किया गया है। कलयुग में तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कलयुग में विशेष रूप से मनुष्यों के लिए नाम जप अतीव सरल सुलभ और सुखद उपाय है, सभी अभिष्टों को प्रदान करने वाला सरलतम उपाय है। सकल कामना हीन जे, तो जो लौकिक कामनाओं की पूर्ति के
हेतु से अथवा किसी आध्यात्मिक कामना की पूर्ति के हेतु से भी नाम जप का समाश्रयन करते हैं, भगवान नाम का अवलंब करते हैं, आश्रय करते हैं, उनकी भी समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं। किंतु सकल कामना हीन जे, जो सब प्रकार की कामनाओं से रहित है, ना जिनको भोग किसी भी प्रकार के सांसारिक विषयों के भोग की इच्छा है और ना ही जिनको मोक्ष की भी इच्छा है, ऐसे सकल कामनाओं से रहित जो भक्त जन है, राम भक्ति रस लीन, और भगवान श्री राम की भक्ति रस में ही निरंतर लीन है। नाम सुप्रीम पीयूष हृदय, उन लोगों का जीवन भी देखते हैं तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि ऐसे अभी ऊपर जो गिनाए उनमें किसी ना किसी प्रकार की कामना से युक्त जन है, या तो कोई सांसारिक कामना है या कोई अध्यात्म मार्ग की कामना है, किंतु इन सब से पृथक कुछ भक्त जन ऐसे भी हैं जो सकल कामनाहीन हैं, भोग और अपवर्ग दोनों ही कामनाओं से रहित हैं और निरंतर भगवान श्री राम जी के भक्ति रस में ही लीन हैं। उनके जीवन की स्थिति क्या है? तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि उनके लिए नाम ही मानो उनका जीवन रस है। उन्होंने नाम रूपी सुंदर प्रेम के अमृत सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, मत्स्य की तरह वो निरंतर नाम रूपी जो प्रेम अमृत सरोवर है उसी में विहार करते रहते हैं, उसी का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं। जैसे मत्स्य जल से क्षण भर भी पृथक हो जाए तो विपदा को प्राप्त हो जाता है, उसका तो जीवन ही नहीं रहता, वो जल के बिना निरंतर तड़पने लगता है। उसी प्रकार से सकल कामनाहीन जो विशुद्ध प्रेम रस का ही आस्वादन करने वाले भक्त जन हैं, भक्ति रस का ही आस्वादन करने वाले भक्त जन हैं, वे भी अपने मन रूपी मत्स्य को भगवान नाम रूपी प्रेमामृत सरोवर में निरंतर निमग्न किए रहते हैं, निरंतर नाम रूपी सुधा का ही आस्वादन करते रहते हैं। क्षण भर भी नाम रूपी अमृत से पृथक होना, भिन्न होना नहीं चाहते। अर्थात नाम, तुलसीदास महाराज जी ये स्थिति दिखा करके कह रहे हैं कि नाम सभी स्थितियों में सभी मनुष्यों के द्वारा, सभी प्राणियों के द्वारा सर्वदा अवलंबनीय है। पवित्र दशा अपवित्र दशा, अंतःकरण की कैसी भी स्थिति, चाहे हम स्वयं को भला मानते हों कि बुरा मानते हों, कि कोई भी मनुष्य किसी भी प्रकार की स्थिति में क्यों ना हो, चाहे प्रसन्नता की स्थिति में हो या विषाद की स्थिति में हो, हर्ष या शोक की स्थिति में हो, कुसंकटों की स्थिति में हो या बड़े भारी ऐश्वर्य की स्थिति में हो, ऐश्वर्य संपन्नता हो या दारिद्र्य की स्थिति हो, प्रत्येक स्थिति में ही नाम सभी के द्वारा सर्वथा अवलंबनीय ही है। नाम प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम प्रदान करने वाला है, नाम अमृत है, विष को भी अमृत करने के सामर्थ्य से युक्त है भगवान नाम, इसलिए सदैव सभी के द्वारा सर्वथा समाश्रयणीय है। अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा, अकथ अगाध अनादि अनुपा। अब तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि नाम का ऐसा अद्भुत सामर्थ्य है कि नाम मानो मृत के लिए भी संजीवनी के समान है, और ये नाम इतने अद्भुत सामर्थ्य वाला है कि ब्रह्म के दो रूप जो कहे गए हैं शास्त्रों में, एक अगुण रूप और एक सगुण रूप, अगुण सगुण दुई ब्रह्म स्वरूपा। एक जन भगवान जी को निराकार सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान इस रूप में मानते हैं,
और दूसरे जन कहते हैं कि भगवान तो सगुण हैं, स्वरूप हैं, भगवान श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में भक्त जनों के लिए रूप ग्रहण करते हैं, उनका सच्चिदानंदमय विग्रह है। तो ऐसे ब्रह्म के दो स्वरूप हैं, निर्गुण और सगुण, अकथ दोनों ही अवर्णनीय हैं, अकथनीय है, अथाह है, अनादि और अनुपम है। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, मोरे मत बड़ नाम दुहूते। भगवान जी के जो दोनों रूप हैं, चाहे वो अगुण रूप हो चाहे वो सगुण रूप हो, दोनों से ही नाम बड़ा है। क्यों नाम बड़ा है? क्योंकि किए जे ही जुग निज बस बूते, क्योंकि इस नाम ने जुग दोनों को ही निज बस निज बूते, अपने बल से दोनों को अपने वश में किया हुआ है। अर्थात जो निर्गुण की उपासना करते हैं, ओंकार आदि का ध्यान करते हैं, वो भी भगवान नाम का समाश्रण करते ही हैं। नाम के सामर्थ्य से ही वो ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करते हैं। और जो सगुण के उपासक हैं, वो भी नाम के समाश्रण से ही भगवत दिव्य स्वरूप को अपने हृदय में प्रकट करते हैं। तो नाम के अधीन तो दोनों ही हैं। नाम ने मानो अपने बल से दोनों को अपने वश में किया हुआ है। इसलिए तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि अगुण और सगुण दोनों ब्रह्म के स्वरूप हैं, किंतु इन दोनों से ही मोरे मत बड़ नाम दुहूते, नाम दोनों से बड़ा है। प्रौढ़ ही सुजन जनी जानही जन की, कहूँ प्रतीति प्रीति रुचि मन की। और तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि सज्जन गण इस बात को कि नाम दोनों से बड़ा है, सगुण ब्रह्म से भी और निर्गुण ब्रह्म से भी दोनों से नाम बड़ा है, इस बात को कहीं अतिशयोक्ति ना समझ लें, कहीं प्रौढ़ ही ना समझ लें, अतिशयोक्ति या काव्योक्ति मात्र, ढिठाई मात्र ना समझें। कहा हूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की, मैं अपने मन के विश्वास के अनुसार ये बात कह रहा हूं, अपने अनुभव के अनुसार। तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि अनुभूत बात है, नाम के सामर्थ्य से ही तुलसीदास महाराज जी ने भगवान श्री राम का साक्षात किया है, इसलिए अपने अनुभव से बता रहे हैं। भक्त जनों की, भागवत जनों की विशेषता होती है कि वो बिना किसी भी साधन की सत्यता जाने उसका निरूपण नहीं करते, वो अपने जीवन में उसको प्रथम अनुभव करके फिर ही उसके विषय में कुछ कहते हैं। तो तुलसीदास महाराज जी भी यही ये बात कह रहे हैं कि अगुण निर्गुण दोनों से बड़ा हम नाम को कह रहे हैं, तो इसमें कोई सज्जन गण इसको काव्योक्ति मात्र ना समझें कि केवल कहने के लिए कह दिया कि नाम दोनों से बड़ा है। ऐसा कैसे हो सकता है कि नाम जो है वो स्वयं भगवान से भी बड़ा नाम हो गया, ऐसे कैसे? तो तुलसीदास महाराज जी कहते हैं उसमें हेतु यही है, किए जे ही जुग निज बस निज बूते, क्योंकि नाम के सामर्थ्य से ही दोनों स्वरूप प्रकट होते हैं। अगुण भी उसी से जाना जाता है और सगुण स्वरूप भी नाम से ही प्रकट होता है। कहा हूं प्रतीति प्रीति रुचि मन की, यह बात मैं अपने मन के विश्वास प्रेम और रुचि के अनुसार कह रहा हूं। एक उदारुगत देखिए एकु पावक सम जुग ब्रह्म विवेकु। अगुण और निर्गुण ब्रह्म कैसे हैं, तो उसको दृष्टांत से तुलसीदास महाराज जी कह रहे हैं कि ये बहुत सरलता से समझना हो तो इसको हम ऐसे समझें कि जैसे अग्नि है, लोक में एक काष्ठ है हमारे सामने, तो उसमें भी अग्नि है लेकिन दिखाई तो नहीं पड़ती। काष्ठ में अग्नि तो है लेकिन सूक्ष्म रूप में है, दिखाई तो नहीं पड़ती। तो ऐसे ही अगुण ब्रह्म सर्वव्यापक है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अजर है, अमर है, निर्भय है, पवित्र है, अंतर्यामी है, सब जगह वर्तमान है, किंतु दिखाई तो नहीं पड़ता, प्रकट नहीं है।
तो ये काष्ठ में विद्यमान अग्नि के समान सर्वत्र व्यापक होता हुआ भी, विद्यमान होता हुआ भी, दृष्टिगोचर नहीं है, ये निर्गुण ब्रह्म है। किंतु वही अग्नि जब हम कोई प्रयास विशेष करते हैं, पत्थरों को घिसते हैं, या फिर जो है कोई आजकल केमिकल्स आते हैं उससे हम उसका हम प्रयोग करके अग्नि को जला लेते हैं काष्ठ में, तो जो काष्ठगत अग्नि है वो प्रकट हो जाती है ना, काष्ठ में अग्नि है वो प्रकट हो जाती है, दिखने लग जाती है। उसी तरह से जब ब्रह्म का उसी तरह से ब्रह्म का सगुण प्रकट स्वरूप भी है, जो नाम के बार बार जप से प्रकट हो जाता है। तो उसी को कहा है तुलसीदास महाराज जी ने, सगुण ब्रह्म और निर्गुण ब्रह्म मानो प्रकट अग्नि और अप्रकट अग्नि के समान है। एक उदारुगत, एक अग्नि तो दारुगत है, काष्ठगत है, दिखाई नहीं पड़ती, ऐसा ही निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप है। और देखिए एकू, और एक अग्नि ऐसी है जो हमें दिखाई पड़ती है। पावक सम जुग ब्रह्म विवेको, उसी प्रकार से ब्रह्म के दोनों स्वरूप समझने चाहिए। निर्गुण उस अप्रकट अग्नि के समान है जो काठ के अंदर है परंतु दिखती नहीं है, और सगुण उस प्रकट अग्नि के समान है जो प्रत्यक्ष दिखती है। तो तत्वतः तो दोनों एक ही हैं, किंतु प्रकट और अप्रकट के भेद से भिन्न मालूम होती है। अग्नियां अलग अलग तो नहीं है, दोनों एक ही हैं, बस इतना ही भेद है कि एक प्रकट है और एक अप्रकट है। उसी तरह से सगुण और निर्गुण तत्व भी वस्तुतः एक ही हैं, किंतु ऐसा होने पर भी उभय अगम जुग सुगम नामते, दोनों ही बड़े अगम हैं। अगम है अर्थात जानने के लिए बहुत कठिन है। यदि हम ब्रह्म के किसी भी स्वरूप को जानना चाहें, निर्गुण या सगुण स्वरूप को, तो उनको जानना तो अगम है। योगियों के लिए भी अगम्य, ध्यानियों के लिए भी अगम्य, सिद्ध जनों के लिए भी अगम्य स्वरूप है, अति कठिनता से जानने योग्य है। किंतु एक सरल उपाय भी है, वो क्या है, तुलसीदास महाराज जी कहते हैं, जुग सुगम नामते, इन दोनों ही स्वरूपों को जानना सुगम हो जाता है, अत्यंत सरल हो जाता है। किस उपाय से, तो कहा नाम के उपाय से, नाम से दोनों ही सुगम हो जाते हैं। कहियु नाम बड़ ब्रह्म रामते, तुलसीदास महाराज जी कहते हैं कि मैंने नाम को दोनों से ही बड़ा बताया है, निर्गुण ब्रह्म से भी और सगुण राम से भी, दोनों से नाम को ब्रह्म कहा है। अब क्यों ब्रह्म, क्यों नाम को दोनों से बड़ा कहा है, नाम निर्गुण ब्रह्म से भी बड़ा और सगुण राम जी से भी बड़ा कैसे है, इसको अग्रिम चौपाइयों में बताएंगे, इसको हम आगे देखेंगे। रघुनंदन प्रभु श्री राम जी की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो